हेलो गाइस, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई एम योर होस्ट शेखर, आप देख रहे हैं गेम विद यूट्यूब चैनल। तो गाइस, सारी वीडियो पे भी यूज किए हुए, तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो के मिडिल पे आपको एक रिडीम कोड देखने को मिल जाएगा। तो क्या यार, आगे उस वाले कितनी बार सुबह से ऐप स्टोर जाके आपने चेक किया है कि BGMI आया या नहीं आया? सुबह 5:30 बजे से चेक कर रहा हूँ कि गेम अवेलेबल अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है। तो बाय द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग अभी तक तो गेम ऐप स्टोर पर नहीं आया। आप भी वेट कर रहा होगा और मुझे पता है कि काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं आज को लेके। 17th और 18th की बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है कि इन 2 दिनों में हमें गेम देखने को मिल जाएगा। बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी यही कह रहे हैं और जितनी भी हिंट है यही दोनों डेट की है। तो अगर आज गेम हमें देखने को मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और आज नहीं देखने को मिलता है तो यार कल लेके चलो। हाँ भाई, कल गेम हमें मिल जाएगा देखने को। तो यहाँ पे अगर हम चलते हैं डाउनलोड लिंक पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार, ऐप नॉट अवेलेबल वाली मैसेज यहाँ पे पॉपअप होगी। और ये मैसेज पॉपअप होने का एक ही रीज़न है यार, क्योंकि पब्लिश अभी तक गेम नहीं हुआ है, तो यही मैसेज यहाँ पे पॉपअप होगा। तो बाय द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग अभी तक तो गेम नहीं आया है ऐप स्टोर पे। लेट्स सी कब तक आता है। मैं टाइम लेके चल रहा था कि 5:30 बजे, 6:30 बजे, 7:30 बजे की टाइम में लेके चल रहा था, क्योंकि जब अपडेट वगैरह रिलीज़ होती हैं यही सब टाइम फ्रेम पे रिलीज़ होती हैं, तो मुझे लगा यही सब टाइम पे गेम आएगा। क्योंकि एंड्रॉयड के लिए जब गेम आया था वो सुबह के 6:30 बजे आ गया था। अनाउंसमेंट हुई कि हाँ भाई, गेम अवेलेबल है एंड्रॉयड के लिए, आप जाके डाउनलोड कर लो। सेम अनाउंसमेंट हमें मिलने वाली है BGMI iOS की रिगार्डिंग भी। गेम iOS पे अवेलेबल हो चुका है, आप जाके डाउनलोड कर लो, और वहाँ पर डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर आप जाके भी सर्च करोगे तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो कल शाम में BGMI वालों ने 50 मिलियन डाउनलोड्स की रिगार्डिंग एक पोस्ट किया था, तो होपफुली आप सभी ने वो पोस्ट देखा ही होगा। और वहाँ पे यार स्पेसिफाई किया हुआ था कि क्राफ्टन विल बी मेकिंग अनाउंसमेंट रिगार्डिंग iOS वेरी सून। तो वहाँ पे क्राफ्टन वाले कभी भी अपने मन से, मतलब सारी चीज़ें अगर सॉर्टेड नहीं होती हैं तो कोई भी क्राफ्टन वाले स्टेटमेंट रिलीज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल, जब एंड्रॉयड के लिए गेम आया था, कितने दिनों बाद iOS की जिक्र हुई उनके तरफ से, क्योंकि सारी चीज़ें पहले वो सॉर्ट आउट करते हैं, सारी चीज़ें कंफर्म करते हैं, उसके बाद ही कुछ अनाउंसमेंट हमें देखने को मिलता है। तो अगर अनाउंसमेंट देखने को मिल गया तो आप समझो यार, ऐप स्टोर पर गेम पब्लिश होने के लिए जा, ऐप स्टोर पर गेम रिव्यू होने के लिए जा चुका है। और जैसे ही रिव्यू कम्प्लीट होती है, मैक्सिमम 48 आवर्स लगते हैं, उसके बाद गेम ऑटोमेटिकली वहाँ पर पब्लिश हो जाती है। तो यार आप वही लेके चलो कि 48 आवर्स, मतलब अगर 15th को गेम गया है रिव्यू के लिए तो आप लेके चलो यार आज, नहीं तो कल, यही 2 टाइम आप लेके चलो। अगर आज देखने को मिलता तो बहुत अच्छी बात है, अगर आज नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली आपको कल देखने को मिल जाएगा। और यार जितने लोग वेट कर रहे हो iOS के लिए, आज मैं खुद वेट कर रहा हूँ, वेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 17th और 18th की जब इतनी हाइप बनी हुई डेट को लेके तो यार हम तो वेट करेंगे डेफिनेटली। और यार ज़्यादा डिले नहीं होगा गेम में, इतना आपको डेफिनेटली बताता हूँ, आज नहीं तो कल आपको गेम देखने को मिलने ही वाला है। तो आप चेक करते रह रहे यार इंस्टाग्राम हैंडल BGMI की, और वेबसाइट भी चेक करते रहना, जैसे ही गेम अवेलेबल होगा वहाँ सबसे पहले आपको मिल जाएगी उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही कुछ ऑफिशियल साइट से इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट कर लूँगा। टिल देन थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैव गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। लेट्स होप कि गेम हमारा iOS पे जल्दी से आ जाए। बाय बाय।